नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे तीन स्टॉक्स के बारे में जहाँ पे आज की डेट 5 अगस्त में काफ़ी बल्क डील होते हुए देखने को मिली है। सारी डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा, साथ ही अच्छा खासा प्राइस एक्शन भी स्टॉक्स में हुआ है। गोवा कार्बन, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, JBF इंडस्ट्रीज़। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूँगा अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए, बात करते हैं आज के NSE के डेटा की। तो 5 अगस्त 2021 को आप देख सकते हैं गोवा कार्बन लिमिटेड में युगा दोषी कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ये हैं, इन्होंने यहाँ बाय एंड सेल सौदा किया है। 81,145 शेयर्स बाय करके 91,145 सेल किए हैं। हालांकि पहले के कोई पड़े होंगे जो सेल किए, इन्होंने डिलीवरी नहीं उठाई है, लेकिन स्टॉक में तेज़ी ज़रूर अच्छी खासी बनी है। तो देखिए, आज के इंट्राडे के चार्ट की आप स्थिति देखेंगे, इस स्टॉक में जो है बाइंग भी हुई है, लेकिन कंटिन्यू सेलिंग का दबाव भी ऊपरी स्तरों पर देखने को मिला है। स्टॉक ने 480 रुपये के आसपास का हाई बना के 16 रुपये नीचे जो है क्लोजिंग दी है, 0.5% की तेज़ी बनाई है। लेकिन 5 दिन का चार्ट आप देखेंगे, ज़बरदस्त तेज़ी है, 11.5% की, 1 महीने में 14.5%, 6 महीने में 57%, ईयर टू डेट पर 68% और 1 साल की अवधि में 114 से 115% ये रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है। कंपनी दमदार है, उसमें कोई शिकायत नहीं है। तो देखिए, बात कर रहे हैं गोवा कार्बन के डेली चार्ट की। डेली चार्ट में स्ट्रांग पॉजिटिव रुझान तो जरूर है, लेकिन स्टॉक चलता काफ़ी उतार चढ़ाव देखने के बाद है। और फिलहाल भी स्थिति जो आप देख रहे हैं, राउंडिंग बॉटम पैटर्न स्टॉक ने एक क्रिएट किया हुआ है, इसके बस ब्रेकआउट की एक तैयारी ही है जो कि स्टॉक को ऊपर ले जाएगी काफ़ी ऊंचे स्तरों पे। आज के दिन भी स्टॉक ने 480 के आसपास एक हर्डल फेस किया है, जो कि इसका देख रहे हैं आप जून के महीने का एक हाई है, और ये स्ट्रक्चर कंप्लीशन होने की पूरी तैयारी है। फिलहाल CMP स्टॉक का 464 है, 475 तक नेक्स्ट ये स्टॉक आपको 475 से के 80 की रेंज में स्टॉक ये आपको और जाते हुए देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। उसके ऊपर सस्टेन करेगा तब एक ज़ोरदार ब्रेकआउट देगा, जो कि सीधा इसको 500 के पार डालने में कामयाब होते हुए देखने को मिलेगा। तो आराम से होल्ड करिए जिन्होंने बाय कर रखा है, ये स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया यहाँ क्रिएट हुआ हुआ है। तो देखिए, बात करें अगर गोकुलदास एक्सपोर्ट की, 5 अगस्त 2021 को आज की डेट में एक म्यूचुअल फंड है, प्रामीर या म्यूचुअल फंड है कोई, इन्होंने यहाँ पे 296,323 शेयर्स उठाए हैं 218.62 के प्राइस पे। डिलीवरी बेसिस पे स्टॉक में 5% का अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला है। तो देखिए, बात करें अगर आज के इंट्राडे के चार्ट की, तो मार्केट के फर्स्ट हाफ में स्टॉक ढुलमुल ही चलते हुए देखने को मिला, लेकिन सेकंड हाफ में कंटिन्यू अपर सर्किट पर स्टॉक ट्रेड किया है। 5 दिन की बात करूँ, 9.5% चला है स्टॉक, और इससे पहले भी ये सर्किट आप देख रहे हैं, उसके बाद स्टॉक कल की डेट में यहाँ से फिसलते हुए देखने को मिला, लेकिन आज फिर से सर्किट लगाया है। 5 दिन 1 महीने में 32% चला है ये स्टॉक, 6 महीनों में 175, 131 ईयर टू डेट पर, और 1 साल की अवधि में काफ़ी दमदार रिटर्न है, जो कि 361% के आप देख रहे हैं। साथ ही एक और अपडेट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, एक तो ऐड से है ना पूरा स्क्रीन भर देते हैं, कुछ देखने को ही नहीं मिलता। ये गोकुलदास एक्सपोर्ट में 39% की अपसाइड एक्सपेक्ट की है ICICI डायरेक्ट ने, यहाँ पे कल की डेट में इन्होंने रिकमेंड किया है 202 के प्राइस के, फिलहाल 219 का CMP चल रहा है, टारगेट 280 का दिया है, 39% की अपसाइड के साथ इन्होंने टारगेट इनिशिएट किया है। देखिए, फिलहाल तो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे स्टॉक अपने ऐतिहासिक स्तरों पे पहुंच गया है, और लगातार ये जो बड़ी कैंडल आप देख रहे हैं, मतलब 1 महीने में 150 से 200 डालता है, फिर 200 से लेकर 219, फिलहाल ये महीना अभी शुरू हुआ ही है, जो कि अगस्त की ये पूरी कैंडल है मंथली चार्ट पे आप देख रहे हैं, बड़ी कैंडल ये मंथली चार्ट पे स्टॉक फॉर्म कर रहा है। स्टॉक का 225 पे एक हर्डल है, जो कि स्टॉक ने हर्डल फेस किया था, यहाँ आप देख रहे हैं 15/7/2021 15 जुलाई को, उसके बाद लगातार ये स्ट्रक्चर एक कंप्लीट किया स्टॉक ने। कल की डेट में ऊपरी स्तरों पे स्टॉक गया जरूर था, लेकिन तेज़ जो है प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिली। सबसे पहले नज़र रखेंगे 225 के लेवल पे, जो कि यहाँ से CMP से 219 से 6 रुपये ऊपर है। आज जो 5% का सर्किट लगा है, ये कल की डेट में भी आपको तेज़ी कैरी होते हुए देखने को मिलने की पूरी संभावना है। 225 के ऊपर ब्रेकआउट दे देगा तो फिर स्टॉक जो है 15 से 20 रुपये की और खींच के तेज़ी यहाँ बनाते हुए देखने को मिल सकता है। डेली चार्ट पे कितना जानदार रुझान शानदार बना हुआ है वो आप देख ही रहे हैं। तो देखिए, नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, JBF इंडस्ट्रीज़ नाम है JBF, आज की डेट 5 अगस्त में है। ICM फिनेंस प्राइवेट को एक फंड है, इन्होंने बाई किए 7,50,000 शेयर 34.72 के प्राइस पे, और ये इन्होंने डिलीवरी उठाई है, सेल फिर से नहीं किया है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ही एंट्री शो हो रही है, यानी डिलीवरी उठाई गई है। तो देखिए, स्टॉक कम चर्चा में आता है, इस वजह से एक बार मैंने ऑफिशियल साइट इसकी ओपन कर ली है। कंपनी क्या काम करती है तो आप देख रहे हैं, इंडियन पॉलिएस्टर इंडस्ट्री, तो पॉलिएस्टर ये कंपनी बनाती है, ये आप देख रहे हैं यार्न बनाने वाली टेक्सटाइल की एक कंपनी है। साथ ही एक और अपडेट है इसके Q1 के नंबर्स की, जो कि आप देख रहे हैं 30 जून 2021 तक के क्वार्टर एंड हुआ, यानी Q1 के नंबर अप्रैल मई जून के कंपनी पोस्ट करेगी 12 अगस्त 2021 को।
तो देखिए बात करें आज के इंट्राडे के चार्ट की, स्टॉक डाउन ट्रेंड पे था यानी लोअर सर्किट पे था। मॉर्निंग में ओपन तो ठीक ठाक हुआ था, उसके बाद लोअर सर्किट लगा, फिर ओपन जो है तेज़ी आई, उसके बाद मार्केट के अंतिम 10-15 मिनट में स्टॉक में 5% का अपर सर्किट लगा। 5 दिन में 16.5 से ज़्यादा 17% तक स्टॉक चला है, ज़्यादातर सर्किट चलने वाला स्टॉक है, ये चीज़ ध्यान रखें। एक महीने में 22.5% नीचे दिखेगा, 6 महीने में 171% चला है, ईयर टू डेट पर 124 और एक साल की अवधि में 269% ये स्टॉक चला है। पैनी स्टॉक था 9.60 रुपये का, आज 35 रुपये कैटेगरी यानी 50 रुपये की कैटेगरी में एंटर हो गया है। तो देखिए पिछला चार्ट आप देख रहे हैं, ये डैश और ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये स्टॉक में अपर सर्किट है, फिर लोअर सर्किट भी लगे हैं, तो ये सर्किट टू सर्किट चलने वाला स्टॉक है। लिक्विडिटी कम है, इस वजह से लोअर सर्किट लगते हैं। ऐसे स्टॉक में जो है ट्रेडर हैं वो हमेशा ध्यान में रखें, आप पोजिशन बनाते हैं स्टॉक डाउन सर्किट लगाना स्टार्ट कर देगा तो आप बुरी तरह ऊपरी स्तरों में फंस सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखें। हाँ इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा बहुत कभी बाय का व्यू कर विचार आप बना भी लें तो ताकि स्टॉक आप फंस भी जाएँ तो लंबा होल्ड करके उसको जो है आपका प्राइस आते हुए देखने को मिल जाता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ट्रेडर ऐसे स्टॉक में बच के रहें, अदरवाइज़ किसी ने इन्वेस्ट कर रखा है तो थोड़ा होल्ड कर सकते हैं स्टॉक। मुझे लगता है आने वाले कुछ दिन और आपको एक दो दिन कम से कम अपर सर्किट दिखा सकता है, और जब नंबर कंपनी डिक्लेयर करेगी वो देखने वाली बात रहेगी कैसे पोस्ट किए हैं, अगर अच्छे आएंगे तो वेल एंड गुड है, स्टॉक और भी चलेगा। बात कर ली इस वीडियो में 3 स्टॉक्स के बारे में हमने, जिसमें आज के दिन बल्क डील हुई है, कुछ प्राइस एक्शन भी बढ़िया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।